आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना बस्ती गांव में एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो की टक्कर के दौरान हुई, और इसी दौरान इस दोनों टक्करों के बीच एक बाइक सवार आ गया। सरायमीर में हुए इस हादसे के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि 2 का उपचार जारी था। जिनका उपचार चल रहा था उनमें एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी, जिसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक के मुताबिक सरायमीर थाना क्षेत्र के बस्ती गांव के पास स्कॉर्पियो के आगे अचानक एक बाइक आ गई, जिसको बचाने के लिए वह दूसरी साइड जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और तेज गति से जा रहे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक ऑटो में टकरा गई। इस दौरान बाइक सवार भी घायल हो गया। मृतकों में एक ऑटो चालक और बाइक सवार एक व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। टक्कर में जब गिरिया फेल गई स्कॉर्पियो की ना, गोलियां नाचे लगी, अब कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कंट्रोल लेकर तो टंपू से मारे, मारे दूसरा टंपू एक मारे टिकट बिगड़ हो, अब जब खून गिरने लगा हमके और ड्राइवर से मतलब जो गुंडी लगा हो फांस कर हमारे। मैं तो गाड़ी में सर ना ना हम जा रहे थे खेता सरा है छा के झोंके खेता सरा जा हुआ है हम पे चली आगे नंबर पे वही इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे में आए 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि जिनका इलाज चल रहा है उनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे उसके घर वालों द्वारा वाराणसी ले जाया जा रहा है। सरायमीर थाना क्षेत्र से घायल अवस्था में 5 व्यक्ति लाए गए थे, जिसमें 3 व्यक्ति मृत अवस्था में आए गए थे, उनको मोर्चरी में बंद करवा दिया गया है। एक व्यक्ति मोहम्मद दाऊद थे, उनका उपचार करके उनके अटेंडेंट हैं वो रेफर करवा के किसी अन्य जगह उपचार के लिए ले गए हैं। एक अज्ञात बच्चा है जिसका उपचार चल रहा है, यहाँ उपचार के लिए भर्ती कर दिया। जो अज्ञात बच्चा है इसकी स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद ज़्यादा गंभीर है। अर्जेंटली और सीनियर डॉक्टर्स को हमने बुला लिया है, और जो दूसरे वाले वृद्ध व्यक्ति थे मोहम्मद दाऊद, ये रेफर वो भी काफ़ी गंभीर थे, वो रेफर लेके चले गए, तो आगे उनके बारे में